हाय एवरीवन, माय नेम इज गैलेक्सी परमार और आज है हमारा डे नंबर 8B ऑफ द सीरीज फ्रॉम जीरो टू हीरो। तो आज के वीडियो में हम लोग मीडियन देखने वाले हैं कि मीडियन जो है वो क्या होता है एंड हाउ टू फाइंड मीडियन ऑफ रॉ डेटा, अनग्रुप डेटा एंड ग्रुप डेटा। ओके, तो चलो हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये एडवाइस दूंगी कि आपको डेटा और टाइप्स ऑफ डेटा यानी कि रॉ डेटा, अनग्रुप डेटा, ग्रुप डेटा ये क्या होते हैं वो आपको पता होना चाहिए, जो मैंने ऑलरेडी जब हमने एवरेज किया था यानी कि जब हमने मीन किया था तब मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो वो अगर आपको मीन या एवरेज वाला वीडियो देखना है तो ये आई बटन के ऊपर क्लिक करो, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि व्हाट इज मीडियन। तो मीडियन क्या होता है, मीडियन का मतलब होता है मिडल वैल्यू। ओके, आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा मीडियन मतलब क्या, मिडल वैल्यू। मिडल वैल्यू यानी कि यहाँ पे देखो हमारे पास क्या होता है, डेटा होता है। यहाँ पे देखो ये क्या है, सपोज करो मैंने एक डेटा कलेक्ट किया है, ठीक है, और अगर सपोज करो हम लोग ये डेटा को क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, और अरेंज करने के बाद जो उस डेटा की मिडल वैल्यू होगी ना उसी को बोलते हैं हम लोग मीडियन। यस, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, मीडियन का मतलब होता है मिडल वैल्यू ऑफ द डेटा व्हेन डेटा आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी कि यहाँ पे डेटा को असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना बहुत 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 जरूरी है, उसके बाद ही हम मीडियन निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास मीडियन का फॉर्मूला है। ओके, और ये जो फॉर्मूला है ना वो रॉ डेटा एंड अनग्रुप डेटा का फॉर्मूला है। ये रॉ डेटा एंड अनग्रुप डेटा का फॉर्मूला है, ग्रुप डेटा का फॉर्मूला अलग है जो मैं आपको बाद में बताऊंगी। ये रॉ डेटा एंड अनग्रुप डेटा का फॉर्मूला है। जैसे कि देखो ये रॉ डेटा है, बरोबर, हमको इसका मीडियन निकालना है। तो स्टेप नंबर वन, यहाँ पे देखो मैं आपको एकदम फटाक से बताती हूँ स्टेप नंबर वन क्या होगा, कि आपको क्या करना है अपने डेटा को या तो फिर असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ओके, असेंडिंग ऑर्डर तो आपको पता ही होगा, असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा, इसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। और अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो भी अरेंज कर सकते हो, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या, बड़े से छोटा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो गिवन डेटा है इसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे छोटा है हमारा 1, इसके बाद आएगा 2, लेकिन यहाँ पे देखो 2 दो बार है ना, तो हम दोनों बार लिखेंगे। ओके, यानी कि दो बार हमको 2 लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बार लिखेंगे, नहीं 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 नहीं, पहले 1 उसके बाद 2 दो बार है तो 2 लिख दिया दो बार, उसके बाद 3 है क्या, नहीं, उसके बाद आता है 4, लेकिन 4 दो बार है तो 4 को भी हम लोग लिखेंगे दो बार, उसके बाद 5 नहीं है, 6 है, 6 दो बार है तो 6 दो बार लिखेंगे, उसके बाद 7 है, और उसके बाद 8 नहीं है, 9 नहीं, डायरेक्टली 10 है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे एक बार काउंट कर लेती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यस, परफेक्ट। ओके, तो यहाँ पे हमने स्टेप नंबर 1 डेटा को असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो। फिर स्टेप नंबर 2 क्या होगा, तो स्टेप नंबर 2 होगा फाइंड एन। ओके, हमको क्या करना है, एन को फाइंड करना है। व्हाट इज एन, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, यहाँ पे आएगा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि ये जो हमारा डेटा है इसमें कितने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो एन हमारा क्या है, 9 है। अब ये एन जो है हमने फाइंड तो कर लिया, अब देखो कि ये जो एन है वो ऑड है या इवन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो n है वो 9 है, एंड 9 इज व्हाट, ऑड नंबर, तो यानी कि n हमको क्या मिला है, ऑड नंबर मिला है। तो नाउ स्टेप नंबर 3 विल बी व्हाट, कि अभी फॉर्मूला को यूज करो और अभी मीडियन निकालो। तो यहाँ पे देखो हमारे पास फॉर्मूला है, n अगर ऑड है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करने का मीडियन का, अगर n अगर इवन है तो मीडियन का ये वाला फॉर्मूला यूज करने का। तो यहाँ पे n हमारा ऑड है यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मीडियन का जो फॉर्मूला है अच्छे से देख लो, अगर n ऑड होता है ना तो मीडियन का फॉर्मूला होता है n प्लस 1 अपॉन 2th टर्म। ओके, यानी कि इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ, n प्लस 1 अपॉन 2th टर्म। ओके, ये जो th है, ये टर्म जो है वो जरूर लिखना, वो जरूर लिखना। अभी n 9 है तो n के जगह पे 9 की, मतलब n के जगह पे 9 पुट करो क्योंकि 9 है, 9 प्लस 1 अपॉन 2th टर्म। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 9 प्लस 1 होगा 10, और 10 अपॉन 2 क्या होगा, 5 होगा, दैट इज 5th टर्म। ओके, यहाँ पे देखो 5 हमारा आंसर नहीं है, 5 हमारा आंसर नहीं है, ये क्या बोल रहा है, जो 5th टर्म होगा, जो जब हमने
हमारे डेटास को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया था ना, तो यहाँ पे देखो जो फिफ्थ टर्म होगा ना वो हमारा मीडियन होगा, दैट इज 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि ये देखो ये है फिफ्थ टर्म, यानी कि 4, यानी कि 4 इज अवर मीडियन, ये जो हमारा डेटा है इसका मीडियन है 4, यस। तो फिफ्थ यानी कि 5 जो है ये हमारा मीडियन नहीं है, द फिफ्थ टर्म ऑफ द डेटा is our median and fifth term है 4, इसलिए 4 is the median। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे जब हमने ये डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया तो अब देखो कि जो मिडिल वैल्यू होती है ना उसी को मीडियन बोलेंगे, और यहाँ से सामने से लग रहा है कि यही मिडिल वैल्यू है क्योंकि यहाँ पे देखो इसके राइट हैंड साइड में अगर देखोगे तो 4 टर्म्स हैं, इसके लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे तो भी 4 टर्म्स हैं, मतलब यही तो हमारा मीडियन होगा, यही तो हमारी मिडिल वैल्यू होगी, ये तो हम लोग आप बंद करके यानी कि बिना फॉर्मूला यूज करके भी पहचान सकते हैं, ठीक है। तो जब हमारा एन क्या होता है, ऑड होता है, तो हम लोग मिडिल वैल्यू जो है वो मतलब कि समझ जाओगे आप कि वो इसके इस तरफ भी सेम नंबर ऑफ टर्म्स हो गए और उस तरफ भी सेम नंबर ऑफ टर्म्स हो गए, जो बीच में जो वैल्यू पड़ रही है ना वो हमारी मीडियन हो जाती है। तो जब एन ऑड होगा तो ये फॉर्मूला यूज करना, मीडियन इज इक्वल टू एन प्लस 1 अपॉन 2th टर्म, 2th टर्म होगा यानी कि वो जो टर्म होगा ना वो हमारा आंसर होता है। फिफ्थ टर्म जो होगा, फिफ्थ टर्म देखो वहां पे जाके वो हमारा आंसर होगा, 5 हमारा आंसर नहीं है, ठीक है। तो ये हमने एन जब ऑड है तब मीडियन क्या होता है, ये रॉ डेटा है, ठीक है, ये रॉ डेटा है, तब हमने फाइंड किया मीडियन क्या होता है। अब देखते हैं जब एन इवन होगा तब हम कैसे फाइंड करेंगे व्हाट इज मीडियन, ठीक है। तो मैं इसको रफ कर देती हूँ, जैसे कि एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल ले लेती हूँ 1, 2, 3, 4, 5, देखो ये एक डेटा है और यहाँ पे इसको मैंने ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है, तो इसकी मिडिल वैल्यू बताओ, मिडिल वैल्यू क्या है, 3 है ना, तो यहाँ पे देखो क्योंकि 3 के इस तरफ भी 2 टर्म है, इस तरफ भी 2 टर्म है, तो यानी कि ये जो 3 है ये हमारा क्या होगा, इस डेटा का मीडियन होगा। और यहाँ पे क्या है, 1, 2, 3, 4, 5 टर्म है, यानी कि 5 एक ऑड नंबर है, तो अगर आप ये फॉर्मूला यूज करके भी देखोगे तो मीडियन आपको 3 ही मिलेगा, ठीक है, क्लियर है। अब चलो इवन नंबर का देखते हैं, नोट डाउन करना है तो कर लो, मैं रफ कर देती हूँ। तो चलो अभी हम लोग देखते हैं कि रॉ डेटा का मीडियन कैसे निकालते हैं, ओके। यहाँ पे हम लोग रॉ डेटा का मीडियन निकालना सीख रहे हैं, एन जब हमारा ऑड था तो हमने फॉर्मूला यूज करके देख लिया, अब देखते हैं एन जब इवन होगा, तो ये देखो थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला लग रहा है, तो ये फॉर्मूला कैसे यूज कर सकते हो वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। यहाँ पे 3 स्टेप है आपके पास, ठीक है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। तो चलो देखते हैं स्टेप नंबर 1 क्या है, आपको क्या करना है, अपने डेटा को या तो असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। तो मैं तो असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज करती हूँ, लेकिन अगर आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया तो भी चलेगा, ओके। तो सबसे छोटा है 1, उसके बाद आएगा हमारा 2, ठीक है, मैं यहाँ पे राइट भी कर रही हूँ ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, 1 हो गया, 2 हो गया, उसके बाद डायरेक्टली 4, फिर 5, ओके, 4, फिर 5, उसके बाद आएगा 7, उसके बाद 12 और 15 और फिर 18, ठीक है, 12, 15 और 18, ठीक है। स्टेप नंबर 1 डन, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। अब फाइंड एंड, एंड मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, और अगर 8 देखोगे तो वो क्या है, इवन नंबर है, तो जब 8 इवन होता है, एन अगर इवन है तो मीडियन का ये फॉर्मूला यूज करना है। तो एक बार मैं फॉर्मूला को लिख देती हूँ, तो ये स्टेप नंबर 3 है, फॉर्मूला लिखो और उसको यूज करो और मीडियन फाइंड करो। तो फॉर्मूला क्या है, मीडियन इज गिवन बाय, फॉर्मूला देखो क्या है, एन अपॉन 2th टर्म प्लस क्या होगा, प्लस एन अपॉन 2 प्लस 1th टर्म, ठीक है, और डिवाइड बाय क्या होगा, 2 होगा। बस आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला याद करना है और n की जगह पे आपको वैल्यूज को पुट करना है, n 8 है ना, तो 8 पुट करो, ठीक है। वैसे ये फॉर्मूला जो है वो क्या दर्शा रहा है मैं आपको बताऊंगी बाद में, पहले वैल्यूज को पुट कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखो 8 है ना, तो 8 अपॉन 2 क्या होगा, 8 अपॉन 2 होगा 4, डायरेक्टली कर रही हूँ, तो यानी कि यहाँ पे आएगा 4th टर्म, ठीक है, यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिखूंगी 4th टर्म, ये जरूर लिखना, TH और टर्म जरूर लिखना, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। प्लस यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे इसको अच्छे से थोड़ा सा सॉल्व करो, इसको बाजू में सॉल्व करती हूँ, यहाँ पे क्या है, n है हमारा 8, तो 8 अपॉन 2 और फिर प्लस 1 अलग है, ठीक है, प्लस 1 अलग है, तो पहले हम ये डिवाइड करेंगे, ओके। तो 2 1 2 4, यानी कि यहाँ पे 4 आ गया और 4 + 1 होता है 5, दैट इज यहाँ पे होगा 5th टर्म, ठीक है, क्या होगा, 5th टर्म, और डिवाइड बाय क्या होगा, 2 होगा। तो यानी कि अभी हमको देखना है जो हमारा डेटा है उसमें 4th टर्म और 5th टर्म क्या है, ठीक है। तो चलो देखते हैं 1, 2, 3, 4, 4th टर्म है 5 प्लस 5th टर्म क्या होगा, 5th टर्म होगा 7 और अपॉन
टू, अब इसको सॉल्व करो तो 5 प्लस 7 कितना होगा 12, 12 अपॉन 2 यानी कि 2 1 जा 2 6 जा यानी कि 6 इज आवर आंसर, 6 जो है वो क्या होगा मीडियन होगा, 6 जो है वो मीडियन होगा, तो यानी कि इस डेटा का जो मीडियन होगा वो 6 होगा। लेकिन अब आप बोलोगे कि 6 ऐसी तो कोई वैल्यू दिख रही ही नहीं है, तो 6 हमारा मीडियन कैसे होता है, कैसे हो गया? तो देखो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, जब भी n हमारा क्या होता है 8 यानी कि इवन नंबर होता है ना, तो हमको क्या मिलता है उस डेटा में दो मिडल वैल्यूज मिलते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर देखोगे तो ये दोनों मिडल वैल्यूज है, क्योंकि यहाँ पे अगर देखोगे तो इन दोनों के इस तरफ भी 3 टर्म्स है और इन दोनों के इस तरफ भी 3 टर्म्स है। ओके, तो हम क्या करते हैं मीडियन निकालने के लिए ये दोनों जो हमारे वैल्यूज है इनका एवरेज निकालते हैं। ये जो मिडल के दो जो वैल्यूज है ना इनका हमने क्या किया एवरेज निकाला, एवरेज मतलब मीन निकाला। तुम लोग ने मीन तो किया ही होगा, मैंने इतने अच्छे से कराया है, तो हमने ये दोनों टर्म्स का मीन निकाला। मीन क्या होता है सम ऑफ ऑल द टर्म्स यानी कि ये दोनों का टर्म्स, ये दोनों का सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, और कितने टर्म्स है ये दो ही है तो दो आया। तो यानी कि मिडल टू वैल्यूज जो होती है ना उनका हम लोग मीन निकालते हैं और तब जाके हमको मीडियन मिलता है। तो 5 और 7 के बीच में अगर देखोगे ना तो यहाँ पे कहीं 6 आएगा और वो 6 जो है ना वो क्या होगा इस डेटा का मीडियन होगा, क्योंकि 6 के इस तरफ भी इस तरफ जितने टर्म्स होंगे उतने ही 6 के इस तरफ उतने टर्म्स होंगे, तो ये हमारा मिडल वैल्यू होगा। ठीक है, तो कभी कभी हमको मीडियन ऐसा भी मिल सकता है जो उस डेटा में वैसा नंबर दिखेगा भी नहीं आपको। ओके, तो ऐसा होता है। तो हमेशा याद रखना कि जब भी n इवन होता है तब हम क्या करते हैं जो दो दो जो मिडल वैल्यूज होते हैं ना उनका एवरेज निकालते हैं तब जाके मीडियन मिलता है। जैसे कि एग्जांपल से बताती हूँ, जैसे कि एक एक डेटा ले लो 1 2 3 4। ओके, तो चलो हाँ ये ले लिया, आगे और थोड़ा लिख देती हूँ 5 और 6। तो यहाँ पे देखो ये एक डेटा है और ये इधर अगर n देखोगे तो n क्या है इवन है क्योंकि 6 डेटाज है, तो इसका अगर मीडियन निकालना होगा ना तो क्या करेंगे इसके देखो दो मिडल वैल्यूज मिलेगी, तो ये दो मिडल वैल्यूज का जो एवरेज होगा इन दोनों मिडल वैल्यूज का जो एवरेज होगा वो हमारा मीडियन होगा, और इनका अगर एवरेज निकालोगे तो आपको क्या मिलने वाला है 3.5। तो 3.5 विल बी अवर मीडियन। तो 3.5 के इस तरफ भी सेम नंबर ऑफ टर्म्स होंगे और इस तरफ भी सेम नंबर ऑफ टर्म्स होंगे ऐसे, तो इस डेटा का मीडियन निकलेगा 3.5। तो ये है मीडियन ऑफ व्हाट ऑफ रॉ डेटा। बस आपको ये थोड़ा सा फॉर्मूलास क्या करना है याद करना है। ठीक है, ओके, क्लियर है। चलो अब हम देखते हैं अनग्रुप डेटा का मीडियन कैसे निकालते हैं। सेम फॉर्मूला है, बस थोड़ा सा मेथड अलग होने वाला है। ठीक है, फॉर्मूला सेम है बस मेथड थोड़ा सा अलग है। तो चलो देखते हैं, फॉर्मूला नोट डाउन कर लेना क्योंकि अभी मैं सब रफ करने वाली हूं। तो चलो अभी हम लोग देखते हैं कि जो अनग्रुप डेटा होते हैं उनका मीडियन कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो ये है हमारे रॉ डेटा, रॉ डेटा मतलब ताजा ताजा डेटा है ये हमारे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसको हम लोग अनग्रुप डेटा में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखो ये जो टेबल है ना इसको बोलते हैं अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है 24 स्टूडेंट्स जो है ना इनका डेटा कलेक्ट किया है। ओके, आउट ऑफ 15 इनको कितने मार्क्स मिले हैं इंग्लिश में वहां, ये वाला जो डेटा है वो मैंने कलेक्ट किया है। अब इसको अनग्रुप डेटा में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो 4 कॉलम बनाने हैं आपको, मैं आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनाते हैं वो भी सिखा रही हूँ। तो सबसे पहला कॉलम होगा मार्क्स का, क्योंकि मार्क्स का डेटा है। अगर सपोज करो कोई रुपीस का डेटा है तो रुपीस लिखो, अगर सपोज करो कि कोई प्रॉफिट का डेटा है तो प्रॉफिट इन रुपीस लिखो। ठीक है, तो ये मार्क्स का डेटा है तो मार्क्स लिखा। उसके बाद टैली मार्क्स आएगा, टैली मार्क्स मतलब आपको पता होगा ये देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ये टैली मार्क्स होते हैं। फिर हम लोग टैली मार्क्स को काउंट करेंगे और फिर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। ठीक है, एंड फिर आता है लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। हाँ, ये कुछ नया सुन रहे हो आप, तो यहाँ पे अभी हम लोग लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। ठीक है, ओके, और जो फॉर्मूला है वो कौन सा है, मीडियन निकालने का फॉर्मूला जो रॉ डेटा का था ना वही सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मार्क्स लिखने वाले अभी हम लोग यहाँ पे, तो सबसे पहले देखो सबसे छोटा वाला मार्क्स जो है वो 3 है, तो 3 लिखेंगे, एक बार ही लिखना है 3। उसके बाद उससे बड़ा है 5, उसके बाद आएगा 7। ठीक है, यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो हम डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं। हाँ, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं, तो 3 5 7, उसके बाद होगा हमारा 10,
बरोबर, उसके बाद होगा 13 और फिर 15, बरोबर 13 और फिर 15, तो ये हो गया। तो यहाँ पे हमने मार्क्स को, अरे अरे एक मिनट, हाँ इसको मैं यहाँ पे अच्छे से लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। यस, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे छोटा मार्क्स और फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने मार्क्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। अब हम टैली मार्क्स लगाएंगे। टैली मार्क्स क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे देखो ये 3 है, तो 3 के आगे हम लोग एक टैली मार्क्स लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं अभी पेन चेंज कर देती हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे ये 3, उसके बाद 5 है तो 5 के आगे एक टैली मार्क्स लगाएंगे, फिर 7 है तो 7, उसके बाद 10 है तो 10, उसके बाद 15 है तो 15, उसके बाद है 5 तो 5 के पास लगाएंगे, फिर 3 है तो 3 के पास लगाएंगे, फिर है 7 तो 7, उसके बाद 10 है तो 10, उसके बाद आएगा 13, 13 तो दो बार 13 है तो 13, 13 दो बार, फिर 15, 3, ओके तो 15 और फिर 3, उसके बाद आएगा 5, 5 तो दो बार 5 है तो दो बार 5, उसके बाद आएगा 3, एक बार 3, उसके बाद देखो अगेन 3 है, तो 5 के टाइम पे आपको क्या करना है, ऐसे करना है, ठीक है। तो ये 5 के टाइम पे हम लोग ऐसे करेंगे, तो यानी कि ये 3 लग गया, फिर अगेन 3, तो यहाँ पे और 3 एक, उसके बाद आएगा 10, तो यहाँ पे 10, उसके बाद अगेन 10 तो 10, उसके बाद 13, 13 तो दो बार 13, उसके बाद 15, उसके बाद 3, तो यहाँ पे 3 हो गया ये, ठीक है। टैली मार्क्स आपको पता होगा, देखो 1, 2, 3, 4 और 5 के टाइम पे ऐसे करना है, 1, 2, 3, 4 और 5 के टाइम पे ऐसे करना है। ऐसा क्यों करते हैं, ताकि काउंटिंग करने में आपको आसानी होगी। देखो यहाँ पे ये 5 का ग्रुप है, तो ये 5 हो गया, और ये 6 और 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 7। अब ये 7 क्या डिनोट करता है, तो यहाँ पे देखो ये कॉलम है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का, यानी कि फ्रीक्वेंसी का, इसका मतलब 3 मार्क्स 7 बच्चों को मिले हैं। यहाँ पे काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7वां 13, 7, यानी कि 7 बच्चों को 3 मार्क्स मिले हैं, ऐसा होता है, ठीक है। फिर 5 मार्क्स 4 बच्चों को मिले हैं, 7 मार्क्स 2 बच्चों को मिले हैं, 10 मार्क्स 4 बच्चों को मिले हैं, 13 मार्क्स 4 बच्चों को मिले हैं, 15 मार्क्स 3 बच्चों को मिले हैं। अब हम क्या करेंगे, ये फ्रीक्वेंसी को काउंट करेंगे, तो इसको ऐसे लिखते हैं, आपको पता होगा समेशन ऑफ FI, है ना, मैंने मीन करते टाइम बताया था, ये समेशन मतलब ये सिग्मा का साइन होता है, और इसका मतलब होता है टोटल, सम ऑफ ऑल द टर्म्स, यानी कि ये जो कॉलम है इसका सम कितना है, इसका टोटल क्या है, वो यहाँ पे लिखेंगे। तो इसका अगर टोटल करोगे तो आपको ऑब्वियसली 24 मिलेगा, क्योंकि 24 स्टूडेंट्स का डेटा कलेक्ट किया है, तो यहाँ पे 24 होगा। एंड एज यू ऑल नो कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है उसको एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम और करके ऐसे भी लिख सकते हैं एन इज इक्वल टू 24, क्लियर है, ठीक है। अब देखो, अब हमको बनाना है लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम। अब ये कैसे बनाते हैं, तो चलो मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, इसका जो ये फर्स्ट वाला जो है, फर्स्ट वाला जो नंबर है या फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है, वो ऐसे की ऐसे लिखनी है, यानी कि 7 है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 7 लिख दो बस, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ये जो 7 है इसको नीचे कैरी डाउन करो, और फिर प्लस क्या करना है आपको, 4 प्लस 4 करना है। इधर देखो हमने क्या किया, इसको नीचे लिखा, फिर ऐड करना है। ऐड क्या करना है आपको, ये जो सेकंड फ्रीक्वेंसी है इसको ऐड करना है 7 में, तो यानी कि 7 प्लस 4 कितना होगा, 11। फिर ये 11 को नीचे लिखना है, फिर ऐड करना है, ये इसके बाजू में देखो क्या है, 2, तो 2 को ऐड करो, दैट इज ये हो जाएगा 13। फिर 13 को नीचे लिखो, फिर प्लस क्या करना है, 4, तो 4 लिखो, तो 13 प्लस 4 होगा 17। फिर 17 को नीचे लिखो, फिर प्लस करना है क्या, यहाँ पे 4 है तो 4, तो 17 प्लस 4 करोगे तो आपको मिलेगा 21। फिर 21 को नीचे लिखो और प्लस यहाँ पे करो 3, तो 3 लिखो, तो 21 प्लस 3 कितना होगा, 24। तो यहाँ पे देखो ये जो मिलेगा ना लास्ट में, यहाँ पे जो हमारा टोटल फ्रीक्वेंसी होगा ना, वही यहाँ पे लास्ट में हमको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिलेगा लेस देन टाइप, समझ में आया। लेकिन अभी आपको है ना थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कि ये क्या है, ये लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, तो देखो मैं बताती हूँ। फ्रीक्वेंसी तो आपको समझाना, फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, कि ये 7 क्या डिनोट करता है, कि 7 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिसको 3 मार्क्स मिले हैं, 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जिसको 5 मार्क्स मिले हैं, बट यहाँ पे ये लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या बता रहा है, तो देखो मैं आपको बताती हूँ, ध्यान से सुनना हा? यहाँ पे देखो ये 7 क्या बताता है, 7 हमको यही बताता है कि 7 बच्चे ऐसे हैं जिनको 3 या 3 से कम मार्क्स मिले हैं, ठीक है, 3 या 3 से कम मार्क्स मिले हैं। तो यहाँ पे देख लो, 3 और 3 से कम मार्क्स कितने बच्चों को मिले थे, 7 बच्चों को मिले हैं, है ना, 3 या 3 से कम, 3 से कम तो किसी को नहीं मिले हैं, 3 मिले हैं लेकिन, और वो 7 बच्चों को मिले हैं, तो ये 7 ये बताता है। वैसे ये 11 कैसे मिला था हमको, 11 हमको ये दोनों को ऐड करने पे मिला था, दैट इज 7 प्लस 4 11 होता है। तो ये 11 क्या बताता है, तो 11 हमको ये बताता है, 11 हमको ये बताता है कि 5 और 5 से कम मार्क्स 11 बच्चों को मिले हैं, 5
या 5 से कम मार्क्स 11 बच्चों को मिले हैं। तो यहाँ पे देख लो, 5 या फिर 5 से कम, ओके 5 से कम है तो ऐसे लिखती हूँ, 5 या 5 से कम मार्क्स 11 बच्चों को मिले होंगे। तो यहाँ पे अगर आप काउंट करोगे तो 5 या 5 से कम मार्क्स है ना, 7+4 यानी कि 11 बच्चों को मिले हैं। तो ये 11 हमको ये बताता है। वैसे ये 13 हमको कैसे मिला था, 13 हमको ये तीनों को ऐड करने पे मिलेगा, दैट इज 7+4+2, तो 13 मिलेगा। तो ये 13 हमको क्या बताता है, तो 13 हमको ये बताता है कि 7 या 7 से कम मार्क्स, 7 या 7 से कम मार्क्स जो है वो 13 बच्चों को मिले हैं। ओके वैसे ये 24 क्या बता रहा है, तो 24 कैसे मिला है पता है, ये सबको ऐड करने पे हमको 24 मिलेगा। तो ये 24 हमको ये बता रहा है, 24 हमको ये बता रहा है कि 15 या 15 से कम मार्क्स, 15 या 15 से कम मार्क्स जो है वो 24 बच्चों को मिले हैं। और आप अपने टेबल में देख लो, यहाँ पे जो मार्क्स मिले हैं वो या तो 15 या 15 से कम ही मिले हैं। तो यानी कि सारे बच्चे आ गए 24 बच्चे। तो ये 24 हमको ये बता रहा है, 24 हमको ये बताता है कि 15 या 15 से कम मार्क्स जो है वो 24 बच्चों को मिले हैं। तो ये है लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ओके अब हमको अभी क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। तो वो सब छोड़ो, मीडियन निकालते हैं अभी हम लोग। तो मीडियन का फॉर्मूला तो सेम है, जैसे कि यहाँ पे भी आपको क्या करना है, सबसे पहले तो देखो हमने ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है, ठीक है। स्टेप नंबर 1 क्या है कि आपको डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे कर लिया है। हमने अच्छा खासा टेबल वगैरह सब प्रिपेयर कर लिया है, बस अभी आपको देखना है व्हाट इज एन। तो यहाँ पे एन मीन्स टोटल, टोटल फ्रीक्वेंसी होगा, ठीक है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बोलो या टोटल फ्रीक्वेंसी देखो कितनी है, 24। एंड 24 अगर आप देखोगे तो वो क्या है, हमारा इवन नंबर है। तो इवन का फॉर्मूला क्या है वो लिखो, ओके। तो स्टेप नंबर 3 होगा कि इवन का फॉर्मूला लिखो। तो इवन का फॉर्मूला लिखेंगे और हम लोग मीडियन निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फटाक से फॉर्मूला लिख देती हूँ। तो मीडियन का फॉर्मूला जो है इवन के लिए वो क्या है आपको पता होगा, दैट इज एन अपॉन 2th टर्म। और यहाँ पे देखो मैंने स्मॉल एन नहीं लिखा है, कैपिटल एन लिखा है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी को हम लोग को कैपिटल एन से लिखना पड़ता है, ठीक है। तो वो बस स्मॉल के जगह पे कैपिटल एन लिखा है। फिर प्लस आएगा हमारा यहाँ पे एन अपॉन 2 प्लस 1th टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये थोड़ा सा रफ कर देती हूँ, टर्म अपॉन 2, ये हमारा फॉर्मूला है। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे एन की वैल्यू पुट करनी है। तो एन 24 है तो 24 अपॉन 2 करो तो आपको मिलेगा 12। तो यहाँ पे आएगा 12th टर्म, फिर प्लस यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे एन अपॉन 2 होगा, यानी कि 2, यहाँ पे एन है 24 ना, तो 24 अपॉन 2 होगा 12 और प्लस 1 यानी कि 13th टर्म। यहाँ पे 12 आया ना, तो यहाँ पे आंसर 13th आएगा, ये याद रखना आप लोग, ठीक है। 13th टर्म और अपॉन 2। तो अभी आपको देखना है कि 12th टर्म जो है वो कौन सा है इसमें से, लेकिन यहाँ पे देखेंगे 12th टर्म जो है ना वो यहाँ पे देखेंगे। तो कैसे पता चलता है, देखो 12th टर्म और 13th टर्म देखना है हमको। तो आपको ना 12th टर्म और 13th टर्म कहाँ से देखने से मिलेगा, आपको लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना पड़ेगा। ये कॉलम किसके लिए बनाया था, इसके लिए बनाया था। तो 12th टर्म कौन सा होगा, तो लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखो तो 11 के बाद 12 आता है, 11 के बाद 12 आता है। तो मतलब कि ये वाला 11 के बाद 12 आता है ना, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे 12th टर्म जो है ना वो क्या होगा, 7 होगा, यहाँ पे 7 होने वाला है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 11 है और 11 के बाद 12 आता है। तो इसके बाद वाला जो होगा, इसके बाद वाला जो मार्क्स होगा वो हमारा क्या होगा, 12th टर्म होगा। प्लस 13th टर्म कौन सा होगा, तो यहाँ पे देखो 13 तो यही है, तो यही हमारा, इसका जो मार्क्स होगा वही हमारा क्या होगा, 13th टर्म भी होगा, दैट इज 7। यानी कि यहाँ पे 12th टर्म और 13th टर्म दोनों सेम मिले हैं। कभी कभी सेम भी मिल सकता है, कभी कभी अलग भी मिल सकता है। तो देखो कैसे पहचानोगे, पहले आप ये देखोगे 12th टर्म, तो 12th टर्म कहाँ ढूंढोगे, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ढूंढोगे। तो 11 के बाद 12 आता है, तो 11 के बाद वाली जो हमारा, बाद वाला जो हमारा रो होगा ना, इसका देखो इसका मार्क्स क्या है, 7। तो मतलब कि अगर आप लोग इसको, ये जो डेटाज है इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे ना, तो देख लेना जो 12th टर्म है वो 7 मिलेगा, और जो हमारा 13th टर्म है, जो हमारा 13th टर्म है, 13th देखो यहाँ पे है, ये 13 है, तो 13 वाले का मार्क्स क्या है, 7। तो 13th टर्म भी देख लेना आपको 7 मिलेगा, एन अपॉन 2। तो 7+7 कितना होगा, यहाँ पे लिख देती हूँ 14/2, और जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 2 1 2 7, यानी कि 7 जो है वो क्या होगा, इस डेटा का मीडियन होगा। तो ऐसे फाइंड करते हैं मीडियन को, ये होगा हमारा आंसर।
तो बस रॉ डेटा का तो इजी है, फटाक से आप लोग क्या करो, एन निकालो, एन की वैल्यू पुट करो और मिल जाएगा। यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी जो होती है, टोटल फ्रीक्वेंसी जो होती है उसकी वैल्यू पुट करो। बस आपको ये ढूंढना है कि यहाँ पे ये जो टर्म है ना वो आपको लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ढूंढने हैं, ये याद रखना। तो 12th टर्म, तो 11 के बाद 12 आता है, तो यहाँ पे देखो 11 के बाद देखा तो बाद वाला ये वाला रो है, तो इसका रो का देखो ये क्या है, ये नंबर क्या है, तो ये हमारा क्या होगा, 12th टर्म होगा। वैसे ही नेक्स्ट है 13th टर्म, तो 13 तो यही है, तो 13 का यही है, तो इसका भी ये देखो कि ये क्या है, ये 7 है, तो इसका 13th टर्म भी 7 निकला, तो 7 + 7/2 यानी कि 14/2 यानी कि 7, यानी कि 7 इज अवर मीडियन। ठीक है, चलो अभी हम लोग देखते हैं कि ग्रुप डेटा का मीडियन कैसे निकालते हैं। ओके, तो चलो अभी हम लोग देखते हैं कि ग्रुप डेटा का मीडियन कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने फॉर्मूला ऑलरेडी लिख दिया है, तो ये हमारा फॉर्मूला है। यस, आपको ऐसा लग रहा होगा कि कुछ ज्यादा बड़ा फॉर्मूला है, बट टेंशन मतलब बहुत ही इजी फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है। और यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है कि ये एल एन एफ सी एफ एच क्या है, वो सब मैं आपको जब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे देखो ये है हमारा ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन था कॉमेंट में, एक क्वेश्चन आया था कि अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा को कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। तो अगर आपने नोटिस किया है, तो मैंने जब अनग्रुप डेटा कराया था, तो अनग्रुप डेटा के फर्स्ट कॉलम में अगर आप लोग देखोगे तो सिंगल सिंगल नंबर होता है, लेकिन यहाँ पे वेयर एज ये जो ग्रुप डेटा है इसमें अगर आप लोग देखोगे तो नंबर ग्रुप में है। यहाँ पे देखो ये एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है, तो ये ग्रुप डेटा है। ठीक है, ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे। अब यहाँ पे देखो ये जो डेटा कलेक्ट किया है वो किसका डेटा कलेक्ट किया है, वर्कर्स का डेटा कलेक्ट किया है। तो यहाँ पे हमने 1000 वर्कर्स का डेटा कलेक्ट किया है कि वो डेली कितने घंटे काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया है कि 8 to 10 आवर्स कितने वर्कर्स काम करते हैं, 150 वर्कर्स काम करते हैं। 10 to 12 आवर्स कितने वर्कर्स काम करते हैं, 500 वर्कर्स काम करते हैं। तो ऐसे हमने 1000 वर्कर्स का डेटा कलेक्ट किया है। अब हमको निकालना है क्या, मीडियन। ओके, मीडियन निकालना है। तो अब मीडियन कैसे निकालेंगे, तो बहुत सिंपल है। पहला कॉलम होगा हमारा जो हमारा डेटा जिसका प्रोवाइडेड है, दैट इज यहाँ पे डेली नंबर ऑफ आवर्स, ये नंबर ऑफ आवर्स है। फिर यहाँ पे हो गए नंबर ऑफ वर्कर्स, और यहाँ पे भी एक कॉलम बनेगा दैट इज लेस देन फ्रीक्वेंसी वाला, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला। ये लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं आपको पता ही होगा। ओके, फिर से एक बार निकालते हैं। चलो, तो आपको क्या करना है, ये फ्रीक्वेंसी का जो फर्स्ट वाला होता है वही यहाँ पे लिख देना है, दैट इज 150। फिर इस 150 को नीचे लिखना है, और फिर प्लस क्या करना है, ये इसके आगे जो लिखा है इसके बाजू में वो, दैट इज 500। तो 150 प्लस 500 होगा 650। अब ये 650 को नीचे उतारो और प्लस आपके इसके बाजू में क्या है, 300, तो 300 लिख दो, तो ये हो जाएगा 950। अब ये 950 को नीचे लिखो और प्लस यहाँ पे क्या है, 50, तो 50 लिखो, एंड दैट इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 1000। तो यहाँ पे देखो ये वाला जो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, इसका जो ये लास्ट आंसर है और जो टोटल फ्रीक्वेंसी है इसका जो आंसर है, वो दोनों सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे एन जो है, एन मीन्स टोटल फ्रीक्वेंसी, याद रखना हमेशा टोटल फ्रीक्वेंसी 1000 है, क्योंकि 1000 वर्कर्स का डेटा कलेक्ट किया था। और जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है लेस देन टाइप की, इसका भी यहाँ पे क्या आना चाहिए, सेम, यानी 1000 आना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। ओके, अब चलो फॉर्मूला यूज करते हैं। बट फॉर्मूला यूज करना है तो अब देखो मैं स्टेप वाइज समझाती हूँ। तो स्टेप नंबर वन, सबसे पहला स्टेप और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है ये, हमको सबसे पहले क्या करना है, मीडियन क्लास फाइंड करना है। अब इसका मतलब क्या है बताती हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, n अपॉन 2 करना है। n मीन्स व्हाट, टोटल फ्रीक्वेंसी, राइट। तो टोटल फ्रीक्वेंसी है हमारा 1000, तो यहाँ पे n की जगह पे 1000 लिखेंगे और अपॉन 2, तो 1000 अपॉन 2 मतलब 500, तो ये 500। तो अभी आपको ये देखना है कि ये जो 500 आंसर मिला है ना, वो लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ पे आएगा, जैसे कि 150 के बाद, 150 के बाद आएगा 500, राइट। देखो 650 के बाद आता है क्या 500, नहीं, 150 के बाद आता है 500। तो यानी कि 150 के बाद वाला जो हमारा ये क्लास होगा, ये होगा हमारा मीडियन वाला क्लास। यानी कि हमको n अपॉन 2 करना है और यहाँ पे जो आंसर आता है उसको हमको चेक करना है लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, और फिर वही वाला जो क्लास होगा उसको बोलेंगे मीडियन क्लास। और मीडियन क्लास निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो n अपॉन 2 किया तो मिला 500, और 500 देखोगे तो 150 के बाद आता है। तो अब ध्यान से सुनना, 150 के बाद आता है, राइट। तो ये वाला, इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, हाईलाइट कर लेंगे, इसको हम लोग थोड़ा सा हाईलाइट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं रेड कलर का, हमारे पास
अच्छा है कि पेन भी है मार्कर भी है, तो ये वाला जो क्लास होगा इसको बोलेंगे हम लोग मीडियन वाला क्लास। कुछ कुछ तो यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज मीडियन क्लास। अब इसका मतलब क्या है, मीडियन क्लास मतलब क्या है कि हमारा जो आंसर है ना आप देख लेना इसके बीच में ही आएगा, यानी कि 10 या 10 के बाद या फिर 12 या 12 के पहले, यानी कि इस ग्रुप के इसमें ही हमारा आंसर आएगा। यानी कि मीडियन की वैल्यू देख लेना आपको यहां से ही मिलेगी, मतलब इसके बीच में ही आने वाली है हमारी मीडियन की मतलब मीडियन का आंसर। तो ये हमारा मीडियन वाला क्लास है। तो एक बार मीडियन वाला क्लास निकाला ना तो बस कुछ नहीं, अभी हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला यूज करेंगे तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, हाँ फॉर्मूला यूज करना है, लेकिन उससे पहले हमको ये एल एफ सी एफ एच निकालना है। तो L क्या है, सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज L। तो यहाँ पे देखो L क्या है, लोअर क्लास लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। ये मीडियन क्लास है तो इसकी जो लोअर क्लास लिमिट होगी, अब यहाँ पे देखो ये क्लासेस होता है, ठीक है ये क्लासेस होता है, उसका ये क्या है लोअर क्लास लिमिट है, ये अपर क्लास लिमिट है। तो ये जो मीडियन क्लास है ना इसका लोअर क्लास लिमिट देखो क्या है, वो है 10, यानी कि L है हमारा 10, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे n, तो n तो पता ही है, n मींस टोटल फ्रीक्वेंसी जो हमारा क्या है 1000 है, ओके। उसके बाद देखेंगे हम लोग व्हाट f, f मतलब क्या, देखो ये हो गया n, बता चला ना n मींस सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब देखते हैं f, f क्या है, तो f क्या है, f इज व्हाट फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। तो ये जो मीडियन क्लास है इसकी फ्रीक्वेंसी देखो, ठीक है फ्रीक्वेंसी मतलब ये वाला फ्रीक्वेंसी क्या है 500, तो यानी कि f है हमारा 500, ओके। फिर नेक्स्ट क्या होगा हमारा सी एफ, व्हाट इज सी एफ, सी एफ क्या है, तो यहाँ पे लिखा है सी एफ मीन्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। प्रीसीडिंग मतलब क्या, प्रीसीडिंग मतलब क्या कि हमको देखना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, लेकिन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किसका देखेंगे, तो जो हमारा मीडियन क्लास है ना, ये हमारा मीडियन क्लास है, तो इसके प्रीवियस, इसके प्रीवियस में जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा, यानी कि इसके ऊपर वाला जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा वो हमारा सीएफ होगा। तो यानी कि यहाँ पे सीएफ होगा हमारा 150, क्या होगा 150, 650 नहीं होगा, 650 नहीं होगा, जो हमारा मीडियन क्लास है ना इसके ऊपर वाला आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेना है, और फ्रीक्वेंसी किसका लेना है, फ्रीक्वेंसी तो मीडियन क्लास का ही लेना है। और फिर आता है H, H मतलब क्या, तो H मतलब होता है क्लास इंटरवल ऑफ द मीडियन क्लास। क्लास इंटरवल मतलब क्या कि यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो इनका इनका जो डिफरेंस होगा वही होगा हमारा क्लास इंटरवल। क्या होगा, क्लास इंटरवल। डिफरेंस कैसे निकालते हैं, तो अगर आपको क्लास इंटरवल निकालना है ना तो उसके लिए क्या करो आप लोग, उसके लिए आप क्या करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या आंसर आया 2 आया, तो यानी कि H है 2। बस अब सब कुछ मिल गया, अब यहाँ पे वैल्यूज को पुट करो आपको आंसर मिल जाएगा। तो फटाक से मैं वैल्यूज को अभी पुट करती हूँ, तो यहाँ पे देखो वैल्यूज आपके सामने ही पुट करती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे L है 10, तो 10 प्लस ब्रैकेट ओपन n अपॉन 2। अगर आप लोग देखो यहाँ पे n अपॉन 2 की डायरेक्ट वैल्यू भी लिख सकते हो, क्योंकि हमने n अपॉन 2 निकाला था जब हमको मीडियन क्लास निकालना था, तो n अपॉन 2 डायरेक्ट आया है 500, तो डायरेक्ट आप इसके जगह पे, ये पूरे के जगह पे डायरेक्ट लिख दिया हमने 500, या फिर आप क्या करोगे 1000 अपॉन 2 भी लिख सकते हो, क्योंकि n तो 1000 है, राइट, n तो हमारा किधर क्या है 1000 है, तो इतना लोचा क्यों करना, डायरेक्ट 500 लिख दो। फिर माइनस सी एफ कितना है, देखो सी एफ है 150 अपॉन एफ होगा, तो एफ है 500 और इंटू एच, तो इंटू एच कितना है, एच है 2। बस इसको अभी सॉल्व करना है, तो हमेशा याद रखना पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ठीक है थीके? तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे 10 प्लस ब्रैकेट ओपन, ये इसको सॉल्व करेंगे 500 माइनस 150 करेंगे, तो 500 माइनस 150 ये 0, ये 10 हो गया, ये 4 हो गया, तो 350 आया, तो यहाँ पे 350 अपॉन 500 इंटू 2, तो यहाँ पे ये जीरो कैंसिल, ठीक है। और अभी इसको सॉल्व करेंगे तो 2 1 2, फिर 2 यहाँ पे 225 50 हो जाएगा, ओके। और फिर इनको अभी सॉल्व करते हैं, एक मिनट, यहाँ पे 10 प्लस, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो 5 5 25, 5 7 35, एक मिनट दिख रहा है कि नहीं पहले मैं देख लेती हूँ, ओके। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा नहीं दिख रहा था, अभी मैंने थोड़ा सा वो धूप आ रहा था उसको बंद कर दिया है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आप लोग समझ जाना, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया है अभी हमारा 10 प्लस यहाँ पे 7/5, तो 7/5 हो गया है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो या कैसे भी सॉल्व करो, थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है तो बट मैं यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, देखो यहाँ पे 5 1 5 2 ऐसा मत करना क्योंकि बीच में प्लस है,
ठीक है, ये याद रखना। अगर बीच में मल्टीप्लाई होता तो 5 1 5 2 कर सकते थे, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले लो, कर लो, दैट इज 5 10 50 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 7/5, यानी कि 57/5 हो जाएगा। तो यानी कि 5 1 5 5 1 5 फिर यहाँ पे होगा 5 1 5 अगेन, तो 2 बचेगा तो 0 आएगा, 0.54 20, ठीक है, यानी कि आंसर है हमारा 4, तो 11.4, तो 11.4 है क्या हमारा आंसर, एक बार देख लेती हूँ, हाँ बरोबर, तो 11.4। और देखो मैंने आपको बोला था कि ये मीडियन क्लास हमको क्या इशारा देता है कि हमारा आंसर देखना आपको इसी ग्रुप में मिलेगा, इसी ग्रुप में हमारा आंसर होगा, दैट इज 10-12 के आसपास हमारा आंसर होगा, एंड दैट इज यहाँ पे देखो मीडियन जो मिला है वो मिला है 11.4। तो यहाँ पे बस आपको थोड़ा कैलकुलेशन पे ध्यान देना है, कैलकुलेशन आपको आता ही होगा, वैल्यूज को अच्छे से पुट करो, पहले हमेशा याद रखना ये ब्रैकेट को सॉल्व करो, ब्रैकेट को सॉल्व करो, ओके, उसके बाद आप आगे सॉल्व करो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बस ये था हमारा मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा, बस ये फॉर्मूलाज वगैरह आप अच्छे से देख लो। सबसे पहले निकालते हैं n/2 की जो वैल्यू आती है उसको चेक करो लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, और फिर आप सबसे पहले डिसाइड करो कि मीडियन क्लास कौन सा है, क्योंकि मीडियन क्लास जब तक नहीं मिलेगा तब तक LNF CF कुछ नहीं मिलेगा। तो एक बार मीडियन क्लास मिल जाता है तो आगे सब मिल जाता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो मिलेंगे अगले वीडियो में मोर के साथ। बाय, टिल देन एंड टेक केयर।